आ गए बॉस के राइट हैंड अपनी चमकती ही गाड़ी में। पहले अपनी इंपॉर्टेंस का दिखावा था और अब ऑफिस से मिली गाड़ी का दिखावा होगा। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह अगले साल भी इनकी प्रमोशन होगी और इससे ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, क्योंकि काम हम करें और क्रेडिट ये भाई साहब लेके जाए। क्यों दिल जला रहा है यार? और ये तुम खिड़की से झांकना बंद करो और आ जाओ मेरे साथ काम मुकम्मल कर लो। 3 बजे मैनेजमेंट की मीटिंग है, प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है चांस आपको। यार काम सारा हम करते हैं और नाम इसका हो जाता है, क्या किस्मत है यार इसकी। तुम भी कब तक गम मनाते रहोगे, तो आदत हो गई है मुझे। काम करते हैं, आज अच्छा सा लंच करते हैं। आज की बिरयानी मेरी तरफ से, और बोलो। ठीक है, बात है, लंच की बातें हो रही हैं भाई, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। मेरे लिए कुछ चाइनीज ऑर्डर कर दो, वो प्रॉन्स ठीक रहेंगे। वैसे महीने का आखिर चल रहा है, हार्ट टाइट है, अब इनके भी पैसे दो। और ये तो कभी झूठे मुंह पैसे वापस करेंगे नहीं, चाइनीज मंगवा दो। छोड़ो यार, काम पर लगते वरना फिर इन्हें गुस्सा करने का मौका मिल जाएगा। चलो मुझे लगता है तुम्हारे साथ प्रमोशन लेते रहोगे। सर वैसे आपकी नवाजिश है वरना मैं किस काबिल। माशाल्लाह तुम भी बहुत काबिल हो, और फिर तुम्हारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस और ये नया बिजनेस प्लान, मुझे तो बहुत खुशी हुई। सर बस जो कुछ सीखा है आप ही से सीखा है। अच्छा ये बताएं कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी है? मैं सोच रहा था कि आपके साथ उन्हें भी प्रमोट किया जाए। सर अगर मुझसे सच पूछा जाए तो बताता हूँ कि दोनों लड़के कई अरसे से काम कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन कुछ भी नहीं सीख पाए। सारे काम मैं खुद ही देखता हूँ, सब कुछ खुद ही हैंडल करता हूँ। कई बार सोचा कि इन्हें नौकरी से निकाल दूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है गरीब लड़के हैं, फैमिली है इनकी, इस वजह से रुक जाता हूँ। अगर किसी और कंपनी में होते तो कब के निकाले जा चुके होते। चलिए जैसे आपकी मर्जी। मैं तुम्हें कहना चाह रहा था कि एक हमारे क्लर्क होते थे करीम साहब, कुछ दिनों पहले उनसे रابطہ हुआ है, वो अपनी बेटी की जॉब के बारे में बात करना चाह रहे थे। मैं सोच रहा था कि तुम उसे देख लो, अगर समझ में आए तो अपने डिपार्टमेंट में रख लेना। जी सर जैसा आप कहें। थैंक यू। प्रमोशन कहीं होने ही ना दूं मैं।